और बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर छठे भेड़िए की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है, लेकिन भेड़िए का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में शुक्रवार की सुबह खबर आई कि गुरुवार की रात भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें अभी दर्जनों गांव खौफ की साय में जी रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। एक तरफ पूरा वन विभाग समेत पूरा प्रशासनिक अमला आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िया वन विभाग की टीम को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है। इतना ही नहीं, कड़ी पहरेदारी के बावजूद भी भेड़िया अपनी मान से निकलकर हमला करने आ रहा है। बीती रात फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला, जहां उसने खूनी खेल खेला। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। पहली घटना लगभग रात 11:40 की है, जहां सिगीहा नशीरपुर गांव में 30 साल की महिला पर हमला हुआ। भेड़िए ने गुड़िया नाम की महिला पर अटैक किया। ये आप घर में दिखाइए कि किस तरह से ये घर है, गुड़िया का 28 वर्षीय उनकी उम्र है, और यहीं पर देखिए बाहर खाना पकता है और कोई दरवाजा नहीं है, किवाड़ घर में है ही नहीं, तो किवाड़ का ना होने का फायदा भी ये भेड़िया उठा रहा है। अगर इन घरों में किवाड़ लग जाए, दरवाजे लग जाए, तो शायद भेड़िए की जो मुसीबत है वो थोड़ी कम हो जाए और इन ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिल सके। ये जितनी भी महिलाएं अपने बच्चों के साथ लेकर के यहां घूम रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे ये सभी बेहद परेशान हैं और परेशान हाल। ऐसे देखिए दूसरा घर भी है, ऐसे ही नहीं कि यही घर, अगर ये दूसरा घर आप देखें तो किस तरह से यहां पर सभी घरों में किवाड़ नहीं है, दरवाजे नहीं है, तो यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से भेड़िए का खौफ है। और बाहर की तस्वीरें भी दिखाइए जरा गोपीगिरी कि किस तरह से बाहर का इलाका है और भेड़िया किस तरफ से आया होगा। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से बाहर का जंगल का इलाका है और यहां पर देखिए खेत है, बाहर ये खेत है और इसी तरफ से भेड़िया भागा है, ऐसे ग्रामीण कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सड़क जो जा रही है और आसपास का जो खेत का इलाका है, यहीं पर इसी इलाके से भेड़िया आता है और गुड़िया के घर पर हमला करता है, बच्चे के उठाने की फिराक में रहता है कि बच्चे को उठा करके वो ले जाएगा, और उसके बाद माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए का वार सहा और उसकी गर्दन पर भेड़िया ने अटैक किया। 11 के आसपास की घटना है और 11 के आसपास भेड़िया ने इस घर पर अटैक किया और फिर जब सारा गांव जाग गया, रथ जगा हो गया, तब ये भेड़िया भागा है। इसके बाद सम्मनपुरवा गांव में भी भेड़िए ने कहर बरपाया। रात करीब 1:30 भेड़िया फिर हरकत में आया और 40 साल की महिला पर हमला हुआ। आदमखोर भेड़िया यहीं पर नहीं रुका, नरकोटवा गांव में सुबह करीब 4 भेड़िया फिर एक्टिव हुआ और 6 के बच्चे पर हमला किया। ये सभी गांव एक दूसरे के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे, लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे, तब सबको दौड़े, तब वो भेड़िया बुमा जंधरी में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता है। सम्मनपुरवा गांव में जिस महिला पर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि महिला के साथ उसकी बेटी सो रही थी, भेड़िया उस पर हमला करने आया था। महिला ने अपने बच्चे को किसी तरह उससे बचा लिया, लेकिन भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धार धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीज गया। अच्छा। थोड़ा खून नहीं, लड़किया के जो 1 भरे के गोद में लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। उस लड़किया को गोद में लिए हुए थी गुड़िया, खून से नहीं बूढ़ी हुई है बच्ची, वो दिखाई दे, बच्ची यही पर है, वो बच गई ना, उसको तो चोट नहीं आई, वो पीछे से दावे, पीछे से बच्चे को बचा लिया, हमला अपने ऊपर ले लिया। सो रही थी वहीं बाहर बरामदे में और एकदम से अटैक किया, नींद में थी, ये भी नींद में रही होंगी, और बच्चे को उन्होंने
पीछे कर लिया। जब उसको तो वो चिल्लाया तो बच्चे को पहले दाब लिया, तो इधर ऐसे खून पकड़ के नटाई और चिल्लाया। मतलब माँ के लिए बच्चा, बच्चे के लिए भेड़िए से भिड़ गई माँ। हाँ, तब उसको काट डाला। भेड़िए से भिड़ गई माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचा लिया और भेड़िए का सामना खुद कर लिया। 8 साल की लड़की और लेटी थी वहीं, लेकिन वो पर नहीं, दोनों लड़कियाँ बच गई, उस पर हमला कर दिया। मंगलवार की रात भी भेड़िए ने महसी तहसील के खैरी घाट थाना क्षेत्र के रायपुर कोरियन टपरा गांव में 50 साल की महिला पर हमला किया, जब वो घर के बरामदे में सो रही थी। छठे भेड़िए की तलाश तो तेज कर दी गई है, लेकिन उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अभी तक भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भेड़िए के हमले से घायलों को 5,400 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। ई पेमेंट से घर वालों के परिजनों के खाते में रकम भेजी गई है। भेड़िए के हमले में घायल 10 लोगों को 54,000 रुपए की मदद की गई है। बहराइच के वन विभाग ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिससे महसी तहसील के दर्जनों गाँव दहशत में है। वही सीतापुर में भी भेड़िया हमलावर हो गया। यहां 9 बकरियों के मारे जाने की खबर है। थानगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी गांव की यह घटना है, जिससे लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अंबेडकर नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक जिंदा बुजुर्ग महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। मामला डीएम के पास पहुंचा, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। साहब मैं जिंदा हूँ, एक बुजुर्ग महिला को ये गुहार जिले के डीएम के सामने लगानी पड़ी। महिला अपने बेटे के साथ कलेक्टर के दरबार में पहुंची थी। बुजुर्ग महिला केवला देवी के मुताबिक जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दिखाया गया है, जिसकी वजह से उसे मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी रुक गई है। महिला की बात सुनकर डीएम भी दंग रह गए। डीएम ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा, जिसके तुरंत बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। जांच के मुताबिक साल 2022-23 में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में केवला देवी को मृत घोषित कर दिया था। इसी वजह से महिला को पेंशन नहीं मिल रही थी। बुजुर्ग महिला कटेहरी विकास खंड के पतौना गाँव की रहने वाली है। इस पर मैंने तत्काल ही उनकी बात सुनकर जो वीडियो कटेरी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, उनको बुलवाया और तत्काल कहा कि अभिलेखों में देखकर बताएं कि वास्तविकता क्या है। इसके बाद मैंने तुरंत अभिलेखों को बुलाया तो अभिलेखों में देखा गया कि इनके नाम के आगे मृतक शब्द लिखा हुआ था, मृत लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से उस समय की जो ग्राम पंचायत अधिकारी थी उसके खिलाफ निलंबन, और जो वहाँ का एडीओ समाज कल्याण था जिसने उसकी संस्तुति की थी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए शासन में इसको भेजा गया है। इसी तरह के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं डीएम ने भी कर्मचारियों की लापरवाही की बात स्वीकार की है। कुछ दिनों से ये देखने में जरूर आया है कि जो निचले स्तर के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, या जो एडीओ स्तर के अधिकारी हैं, वो बहुत ही जिनके संवेदनहीनता के साथ जो है अभिलेखों का परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और मौके पर जाने के बजाय वही ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। महिला के बेटे के मुताबिक उनकी माँ 1 साल से ज्यादा वक्त से अधिकारियों से गुहार लगा रही है। जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जिला अधिकारी के जनता दर्शन में आना पड़ा। वहीं बुजुर्ग महिला की पेंशन की बहाली के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। अंबेडकर नगर से न्यूज 18 के लिए मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट।